Hello everyone, welcome to Ata 24/7. Ata 24/7 ro odia YouTube channel ko mu Bimti Das apan sabstum welcome karusi. And asya me 5th May ro kichi important current affair question discussion kariba. Jo current affair question ki apanankar upcoming exam khas kari apanankar ASO exam pai, OS exam pai, OSS exam pai and OSSS exam pai bahut helpful labo. Chalo jo session ko start kariba. आउ टाइम यूज करिवने फटाफट सेशन को स्टार्ट कर दवा. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेरी गुड मॉर्निंग बिके ज्योति, संगीता, गणेश प्रसाद सोरेन, सत्यवान एंड बनीता, प्रत्युष एंड सुधीर एंड बिजू, रीना, भूपेन चक्रवर्ती एंड गुरुचरण भोई एंड सरिता, सचिन, श्री एंड सुश्री, सुहासिनी, अश्विनी, प्रियंका एंड मिस्टर परफेक्ट, अर्जुन सेठी एंड रामचंद्र साहू. हेल्थ भल अच्छे सर. ये सचिन बहुत बड़ा अच्छे. बहुत दिन पर तुम भी क्लासेस आसल, क्लासेस जॉइन कल. चलो ठीक अच्छे. बहुत बड़ा अच्छे बाबा, बहुत बड़ा सामान भल पाइबा एंड बहुत बड़ा कर रखी. हेल्थ ठीक ठाक अच्छे, बर्तन परफेक्ट अच्छे. ओके क्लियर. सेशन को स्टार्ट करवा पे फटाफट सेशन को स्टार्ट करदे एंड लिंक उठे शेयर कर दियो समस्ते. फटाफट लिंक उठे शेयर कर दियो. ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छे ना? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ओके फटाफट लिंक उठे शेयर कर दियो तुम्हें तुम फ्रेंड मानक सहित व्हाट्सअप, टेलीग्राम एंड तुम इंस्टाग्राम एंड जो भी तुम एक्टिव अच्छ, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्टिव अच्छ, लिंक उठे शेयर करो. मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर को सेशन अटैच कराओ पाला मैंने. ओके सेशन को स्टार्ट करदे. चलो वेरी गुड. एंड सेशन को स्टार्ट करवा गोटे मोटिवेशनल कोच माध्यम पे आपण मैंने जाने इच एंड एव्री डे मुझे मोटेट करने गोटे मोटेसनाल कोट नहीं आसता है. एंड आज मोटेसनाल कोट रोच बहुत बड़ा मोटेसनाल कोट नहीं आसी. ऑल पावर इज विद इन यू. यू कैन डू एनीथिंग एंड एव्रीथिंग. पावर ना पिला माने जो लोक माने एग्जाम को क्राक करते तुम भितर डिफरेन्स कौन पिला माने सेम तांको पाखे जो पावर अच्छी तुम पाखे से ही पावर ही अच्छे. से मैंने कहीं एग्जाम को क्राक करेंगे तुम मैंने कहीं एग्जाम को क्राक कर पार्बनी तुम मैंने एग्जाम को क्राक कर पार से ही पावर मैंने जो एग्जाम को जी क्राक कराखे जो पावर अच्छी तुम पाखे से ही पावर अच्छी. डिफरेन्स कौन ना सी लगन से प्रिपेरेशन करूला, डेडिकेटेडली प्रिपेरेसन करूला. तुम डेडिकेटेडली प्रिपेरेसन करलानी जब मिललानी तुम डेडिकेटेडली प्रिपेरेसन कर. जो ड्रीम को तुम मैंने देखीच से ड्रीम को फुलफिल करने चेस्टा कर. 100% वन डे यू गेट दैट जॉब. तुम से ही जॉब पाइब जो जॉबटा तुम मैंने चाहूल, जो ड्रीम तुम मैंने देखीच से ड्रीम को तुम मैंने फुलफिल कर पार. एंड से ड्रीम को केवल तुम मैंने ही करना कहीं तुम कि भी कर एंड जहाँ चाहूच ताकि कहीं तुम पाखे से पावर अच्छे. आशा करी मोटेसनाल थट आप बहुत 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 मोटेट करदे. आगको जी पी आगको जा वेरी गुड, बहुत बढ़िया. एंड तुम मैंने जाच आडा स्टोर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस एंड करेन्ट एफेयर रोटे कंप्लीट बेच पे योद्धा बेच आडा स्टोर एवेलेबल अच्छी. प्रोमो कोड यूज करने जमा भूल Y281 Y281 ये प्रोमो कोड यूज कर तुम योद्धा बेच को एनरोल करो. जनरल अवेयरनेस एंड करेन्ट एफेयर बेच पे प्राइस ड्रॉप होती 683 683 बर्तमान प्राइस अच्छी. एंड पे तुमको कह रखे कंप्लीट जनरल अवेयरनेस करेंट एफेयर बेच पे अपकमिंग एसओ एग्जाम ओएसएस एग्जाम सहित अदर एग्जाम लाइक रेलवे एग्जाम आसला कि एसएससी एम टी एस एग्जाम आसला सब एग्जाम ये हेल्पफुल हम. प्रोमो कोड यूज करने जमा भूल Y281 Y281 प्रोमो कोड यूज कर तुम बेच एनरोल कर पे एंड कंप्लीट जनरल अवेयरनेस एंड करेंट एफेयर सेशन तुम पाइब ठीक अच्छे क्लियर. एंड अभीप्सा एसओ बेच मैं आडा स्टोर अवेलेबल अच्छी. तुम जो चाहो अभीप्सा एसओ बेच एनरोल करने Y281 Y281 प्रोमो कोड यूज करने जमा भूल पे. एंड ओएसएस सीजीएल बेच मैं आडा स्टोर अवेलेबल अच्छी. प्रोमो कोड यूज करने जमा भूल Y281 Y281 प्रोमो कोड यूज कर तुम ओएसएस सीजीएल बेच को हैंडल कर पार. अमेजिंग बिगनिंग पे मे मस ऑफर फ्लाट 17% डिस्काउंट मिले सब जगह प्रोडक्ट उपर जो तुम मो प्रोमो कोड यूज कर Y281 जहाँ भी एनरोल करुच प्रोमो कोड यूज करने जमा भूल Y281 पे Y281 ये प्रोमो कोडा यूज कर ले तुमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाव. वेरी गुड मॉर्निंग सिमरम चक्रा एंड सुजीत
एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग सुदर्शन एंड सौदामिनी, वेरी गुड मॉर्निंग संतोषिनी एंड वेरी गुड मॉर्निंग गीतांजलि गौरी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग रामचंद्र साहू अर्जुन स्टडी पॉइंट, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर परफेक्ट प्रियंका अश्विनी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल जो मैंने भी लाइव सेशन मोर देखुं समस्त लिंक को शेयर कर फ्रेंड मान सहित एंड सेशन को लाइक भी कर वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेरी गुड मॉर्निंग ओके चलतु सेशन को स्टार्ट करवा पे टाइम वेस्ट करें एमती लेट भी होगा चलते फटाफट सेशन को स्टार्ट करवा ओके तो तुमने जाच ना आज मे पांच तारीख आज हूँ कौन ना मे पांच तारीख तो आज डेटा कौन पर इंपोर्टेंट पे आज हूँ इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे तुमने जाणी रखा दरकार आज हूँ क्लीयर इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे पे तुमने जाणी रखा दरकार इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे को आम कोई ईयर टू ऑब्जर्व कर पे इंटरनेशनल जो कह पाने इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 5 मे एवरी ईयर तो प्रति वर्ष 5 मे को आम कौन करुचे 5 मे को क्लीयर जो कि इंटरनेशनल मिडवाइफ्स हिसाब से कौन करना सेलिब्रेट कर पाने तो 1992 मसीह आम कौन कर ना ये जो इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे को आम ऑब्जर्व कर पाने डाउट क्लियर बुझीपाल ये शोन पे एंड जब आम कह 2022 कह इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे ओके कह इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे थेम हो 100 इयर्स ऑफ प्रोग्रेस ओके कह 2022 थेम रोच 100 इयर्स ऑफ प्रोग्रेस जो इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे थेम रोच डाउट क्लियर बुझीपार तो आज डे इंपोर्टेंट डे इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे जोटा कि तुमको को बार बार कही आज हूँ 5 मे एंड इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे को आम ऑब्जर्व कर 5 मे एव्री इयर आम कौन करुचे ना 5 मे को 1992 मसीहा ठार प्रति वर्ष 5 मे आम कौन करुचे ना इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे को ऑब्जर्व कर आमको जान रखा दरकार 2022 मीन 2022 आज दिन आज जब कह मिडवाइफ्स डे थेम कौन रोच 100 इयर्स ऑफ प्रोग्रेस डाउट क्लियर बुझीपारे आगक जावा पाने चलो वेरी गुड बहुत बड़ा जल्दी कहे तो फास्ट क्वेश्चन रु आरंभ करवा पाने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स टू आरंभ करवा तो क्वेश्चन आसला व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिलीज टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो रिसेंट कौन है ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज है ओके तो कहीपर कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रि कहुए पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया रैंक के नंबर अच्छे 102 ना 136 ना 142 ना 150 जल्दी आंसर कहे देखिए फास्ट आंसर किए कौन जल्दी आंसर कहे तो क्वेश्चन दला व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिलीज टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रे ना बाबा इंडिया रा रैंक केते नंबर अछि 102 नंबर अछि ना 136 नंबर अछि ना 142 नंबर अछि ना हम कहबा पिला 150 नंबर अछि अर्णपूर्णा वेरी गुड मॉर्निंग अर्णपूर्णा मानस वेरी गुड मॉर्निंग बाबा ओके जल्दी आंसर कहे समस्त देखिए फास्ट आंसर किए कौन एंड समस्त लिंक को भी शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जो माने भी करना न्यू स्टूडेंट अच्छा आठटा प्लाटफर्म क्लासेस करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब मत करदे क्लियर तो जदि कहा जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जब कह इंडिया रैंक हो पाने 150 नंबर रैंक ओके जदि कह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ओके तो आपने मन रखा दरकार क्या द्वारा ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज होती रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा कौन है पे ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज होती पे आम कह के नंबर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज होता ना 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बर्तमान जब कह 2022 क्लीयर 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज होती पे डाउट क्लियर तो जब कह 180 कंट्री भितर जब आम देखा पे आम इंडिया रैंक हो पाने जो कि आसे 150 नंबर रैंक आसे पाकिस्तान कथ जो ना 157 रैंक आसे श्रीलंका कथ जो ना 146 नंबर रैंक आसे बांग्लादेश कथ जो ना 162 रैंक आसे म्यांमार कथ जो ना 176 रैंक आसे डाउट क्लियर एंड नॉर्थ कोरिया कथ समस्त कनसेंट्रेट करके शुणी नॉर्थ कोरिया जब कह सब जब कह जाए पे बॉटम रे ओके सब बॉटम रे कि अच्छे ना नॉर्थ कोरिया जार की रैंक हो 180 नंबर रैंक ऑल क्लियर बुझीपार भूटान जदि कह भूटान जदि कह तो समस्त कनसेंट्रेट करके शुणा दरकार 33 नंबर पोजिशन पे जब कह क्लीयर बेस्ट एमंग इंडिया नेबरींग कंट्री जब कह इंडिया नेबरींग कंट्री भितर किए बेस्ट पोजिशन अच्छे से होती भूटान केत नंबर पोजिशन अच्छे ना 33 पोजिशन अच्छे 33 पोजिशन अच्छे किए ना भूटान ओके जदि कह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अलरेडी मुझे डिस्कसन करें टू डेज बिफोर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को आम ऑब्जर्व करें
तो थर्ड मे टाक जोटा कि आम कौन कौन ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हिसाब से अब्जर्व करुँचे आउ थे मुझे कही रखे क्लीयर ना रिपोर्टर्स विथआउट बॉर्डर्स द्वारा पे रिलीज होता 20तम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आम कह 20तम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180टा कंट्री भितर इंडिया रैंक हो 150 नंबर रैंक जो कि आम कह पूर्व वर्ष और यही वर्ष तुलन में जो देखा इंडिया ना 8टा पोजिशन कौन है ना कम्रे अच्छी 8 पोजिशन तौक बर्तमान आसी मीनस बर्तमान पहुंची 150 नंबर पोजिशन में पाकिस्तान पहुंची 157 श्रीलंका 146 बांग्लादेश 162 म्यांमार 176 नॉर्थ कोरिया सब बॉटम पोजिशन अच्छी मीनस आम कह 180 नंबर पोजिशन अच्छी ओके जी कह इंडिया नेबरिंग कंट्री जी कह भूटान 33 नंबर पोजिशन अच्छी पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आसे समस्त कनसेंट्रेट कर थर्ड मे आसे डाउट क्लियर बुझिपार एंड जान लो इंडिया सिंग्स टू 150th रैंक इन जी आम कह पे ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया रैंक के नंबर आ 150तम रैंक आस इंडिया ऑल क्लियर कि बुझिपार ये सब न पे चल वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कह क्वेश्चन देला हु बिकम द विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जल्दी कहे विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जल्दी कहे पे देखिए फर्स्ट आंसर किए कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम रो विनर किए थिला जल्दी कहे देखिए फर्स्ट आंसर किए कौन ओके जदि कह देख टॉप 10 कंट्रीज गुडा विषय कह रखे पे तुम चाहूच एक नंबर किए अच्छी ना मन रखे एक नंबर अच्छी नॉर्वे जी आम कह दुई नंबर किए अच्छी जदि रैंक कथ ना दुई नंबर अच्छी पे डेनमार्क जी आम तीन नंबर कथ ना स्वीडन चार नंबर कथ ना चार नंबर अच्छी एस्टोनिया पांच नंबर कथ ना पांच नंबर अच्छी पे फिनलैंड क्लियर जी आम 150 नंबर रैंक कथ ना तो किए अच्छी ना इंडिया अच्छे डाउट क्लियर बुझिपार 150 नंबर रैंक जी कह कौन ना इंडिया अच्छे एक नंबर अच्छी नॉर्वे दुई नंबर डेनमार्क तीन नंबर स्वीडन चार नंबर इस्टोनिया पांच नंबर फिनलैंड अच्छे ऑल क्लियर बुझिपार चल वेरी गुड बहुत बढ़िया क्लियर ना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कह क्वेश्चन देला क्वेश्चन देला हु बिकम द विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जी कह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम विनर किए थिला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम विनर किए थिला एलपीयू मीन्स लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जॉइन यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी ना कलकत्ता यूनिवर्सिटी जल्दी कहे देखिए फर्स्ट आंसर किए कौन जल्दी कहे देखिए फर्स्ट आंसर किए कौन तो समस्त मन रखा दरकार जॉइन यूनिवर्सिटी जी कौन थी पे ना विनर रहा ओके जो तुम समस्त जान रखा दरकार ना जब आम कह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम सेकेंड एडिशन था किए ऑर्गेनाइज करी ना आम कह जॉइन यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करी जॉइन यूनिवर्सिटी कौन करगेनइज कर एंड जॉइन यूनिवर्सिटी पे आम कह पे 32टा मेडल पाई 32टा मेडल आम जब कह 20टा गोल्ड मेडल पाई पे टॉप पोजिशन अच्छे किए ना जॉइन यूनिवर्सिटी डाउट क्लियर बुझिपार ये सो ना पे जी आम कह जॉइन यूनिवर्सिटी कौन अच्छा टॉप पोजिशन अच्छे एंड यही जो जॉइन यूनिवर्सिटी ना पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को ऑर्गेनाइज करता था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम सेकेंड एडिशन था यस तो मैंने जान रखा दरकार जब कह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को पे फर्स्ट टाइम पर ऑर्गेनाइज कराई था ना फर्स्ट टाइम पे ओडिशा ऑर्गेनाइज करते पे के 2020 मसीह तो मन रख 22 फेब्रुआरी 2020 टू फर्स्ट मार्च जब आम कह फर्स्ट मार्च ओके 2020 पर्यंत क्लियर आम कह किट यूनिवर्सिटी कौन कराई था ना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को ऑर्गेनाइज कराई था पे डाउट क्लियर जब आम कह सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम टा 2021 हबार था बट तुम मैंने मन रखा दरकार कोविड 19 पैंडेमिक कौन कराई ना पोस्टपोन कराई 2022 पर्यंत ओके एंड फाइनाली कौन कराई 2022 रे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम सेकेंड एडिशन को ऑर्गेनाइज कराई पे एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम सेकेंड एडिशन जो कहुए मेडल टेबुल टॉप पोजिशन किए रहा ना जॉइन यूनिवर्सिटी जी कौन करता है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी सेकेंड एडिशन को अच्छा मुझे तुमको कही रखे रिसेंट आम कौन करते ना खेलो इंडिया पर आम डिस्कसन करते पे क्लियर ना एक्चुअली खेलो इंडिया मैच टा जो कह खेलो इंडिया जो कह गेम टा पे फास्ट के स्टार्ट होता ना अन् 31 जनवरी 2018 मसीह 31 जनवरी कौन कर प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी द्वारा इनागोरेट करा ना खेलो इंडिया स्कूल गेम को ओके तो समस्त टी मन देखिए शुणु मुझे एक्सट्रा स्टोरी तुमको कही रखे 31 जनवरी एक्चुअली कौन करा ना प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी कौन कले इनागोरेट कले खेलो इंडिया स्कूल गेम को है तो खेलो इंडिया स्कूल गेम को 2018 ऑर्गेनाइज कराया था प्राइम मिनिस्टर इनागोरेट कराला प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी द्वारा
बट कौन है ना 2019 मसीह ठीक तार द्वितीय वर्ष मीन कह सेकेंड इयर कौन है पे खेलो इंडिया स्कूल गेम ना को चेंज करके कौन करा ना खेलो इंडिया यूथ गेम करा पे ओके जदि कह खेलो इंडिया यूथ गेम को ऑर्गेनाइज कराइला जब कह फास्ट आसला खेलो इंडिया स्कूल गेम आसला दिल्ली नेक्स्ट 2019 ना को चेंज कराला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूथ गेम करा पे पुणे महाराष्ट्र सेकेंड एडिशन था 2020 जदि ना आसाम गुवाहाटी देखो 2021 हबार था हरियाणा पंचकुला कोविड पैंडेमिक कौन कर पोस्टपोन कर 2021 ऑर्गेनाइज करा को जगह हरियाणा पंचकुला एंड 2022 एडिशन टा कोडी हबो ना भोपाल मध्य प्रदेश हबो डाउट क्लियर बुझी पालो एंड आउ गोटे क्वेश्चन मध्य समस्त मन रखे दरकार पिला माने ना एबे रिसेंट आमे गोटे 3 days बिफोर आमे डिस्कशन करथिले यूथ एफर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जे अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेट करथिले पिला माने सेकंड खेलो मास्टर्स गेम कंसंट्रेट करिके सुने दरकार खेलो मास्टर्स गेम को कोडी ऑर्गेनाइज कराई छि न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज कराई छि पिला माने तो खेलो मास्टर्स गेम रिसेंट ऑर्गेनाइज कराई छि का द्वारा नाम जदि कहबा ना जदि कहबा प्लान कोडी ना न्यू दिल्ली रे ऑर्गेनाइज कराइथिला त इनॉग्रेट करथिले के नाम कहबा मोर यूथ एफर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर जे अछन अनुराग सिंह ऑल क्लियर बुझी पारले ये सन न पिला माने ए क्वेश्चंस आपन के एग्जाम पई इंपोर्टेंट हेई पारे भी ओके खेलो इंडिया गेम को जमार त माने भूलिबनी क्वेश्चंस कोडा बनि पारे आपन एग्जाम रे फर्स्ट एडिशन दिल्ली सेकंड एडिशन पुणे महाराष्ट्र थर्ड एडिशन 2020 आसाम गुवाहाटी फोर्थ एडिशन हरियाणा पंचकुला फिफ्थ एडिशन असल मनके भोपाल मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट 2020 रे ओडिसा फर्स्ट ऑर्गेनाइज करथिला किट यूनिवर्सिटी तापर कोन आसला सेकंड एडिशन जॉइन यूनिवर्सिटी मेडल टेबल जदि एक नंबर आसीबो से होची जॉइन यूनिवर्सिटी केतरा मेडल 32 टा मेडल गोल्ड केते 20 वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कइबे तो माने जानि रखे दरकार Who won the title of 75 Santosh Trophy National Football Competition 2021-22 on May 2022? Okay, so question asala pila mane na 2021-22 ro okay 21-22 ro jodi naba pila mane na jo Santosh Trophy football competition da pila mane organize karaita to pachhela 75 tamo Santosh Trophy National Football Competition title winner ki achi jaldi answer ko dekhe first answer ki kohchanti देखिए फास्ट आंसर के गोछोंदी हु ओन द टाइटल ऑफ 75 संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल कंपटीशन 2021-22 ऑन मे 2022 2022 मसिया रे मे मास रे कोन कराइतला 75 तम संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराइतला तो पछला 75 तम नेशनल जदि कहिबा संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल कंपटीशन रो विनर केतला तो समस्त कंसंट्रेट करके सुना दरकार विनर थिला पिला ने केरला तो केरला हरेला कहा को ना केरला हरेला वेस्ट बंगाल को 5-4 गोल रे कोन करिस ना केरला वेस्ट बंगाल को हरेला पिला माने एंड 75 तम ओके जदि हम कहबा 75 संतोष ट्रॉफी टाइटल रो विनर हिची के ना केरला बर्तन कोन हिची ना विनर हिची डाउट क्लियर बुझी पालो एंड तमे मन रखा दरकार को जगह ऑर्गेनाइज कराइतला तो समस्त मन रखा पिला ने क्लियर मल्लापुरम केरला रे कोन कराइतला ना इजो मैच को ऑर्गेनाइज कराइतला बा फाइनल जदि मैच कहबा केरला वेस्ट बंगाल भीतर पिला मैच हेतला कोडी ना कल हम कहबा मल्लापुरम केरला रहितला एंड फाइनली कोन ना केरला कोन करिछ ना वेस्ट बंगाल को 5-4 गोल रे हराई के कोन करिछ ना 75 तम संतोष ट्रॉफी टाइटल विन करिछ के ना केरला डाउट क्लियर बुझी पालो एंड दिस इज द केरला थर्ड विन इन संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट ऑन होम सोइल जदि हम कहबा पिला माने जदि कहबा ना एडा होची केरला रो तृतीयतम कोन ना विन पिला माने जदि हम कहबा केरला निजो होम सोइल रे कोन करछ ना केरला तार 3 नंबर टाइटल को जितिछि ऑल क्लियर बुझी पारिलो ये सन न पिला माने तो ए क्वेश्चंस आपन के एग्जाम रे इंपोर्टेंट हेई पर एग्जाम पई ओके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के थिले पिला ने नाम रख जीजो जोसेफ जी की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थिले टॉप स्कोरर जदि हम कहबा जे कि 9टा गोल करछन सी होछन पिला माने जिसन टिके ओके जिसन टिके तो समस्त कंसंट्रेट करके सुनिया दरकार ए क्वेश्चंस मते अपन एग्जाम पई इंपोर्टेंट हेई पारे ओके बुझी पारले चलो वेरी गुड बहुत बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो मोर के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीजो जोसेफ एंड हम जदि कहबा टॉप स्कोरर जे कि 9टा गोल करछन सी होछन पिला के ना जिसन टिके ओके बुझी पारिले ये सन पिला माने चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जीवा एंड ये होछ पिला माने केरला टीम जे कि वेस्ट बंगाल को हराई कि 75 तम ओके 75 जेडा के हम कहबा संतोष ट्रॉफी टाइटल विन करी छि पिला माने बुझी पारिले वेरी गुड सुना पिला मोर समस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे अच्छा क्वेश्चन कोन आसला ना पछियाला क्वेश्चन कोन पछियाला ना मुख्यमंत्री मितन योजना मुख्यमंत्री व्हिच स्टेट मुख्यमंत्री मितन योजना हैज बीन स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट मुख्यमंत्री मितन योजना हैज स्टार्टेड तो को स्टेट रे मुख्यमंत्री मितन योजना रा स्टार्ट जल्दी आंसर कर ले देखिए फर्स्ट आंसर की कहबे छत्तीसगढ़ आसाम उत्तर प्रदेश ना मणिपुर तो को स्टेट रे नामे कहबा यदि मुख्यमंत्री मितन योजना तो मुख्यमंत्री मितन योजना टा को स्टेट रे स्टार्ट छत्तीसगढ़ रे
ना आसाम रे ना उत्तर प्रदेश रे ना मणिपुर रे तो समस्त जानी रखिया दरकार पिला माने क्वेश्चन गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनि पारे तो छत्तीसगढ़ रो चीफ मिनिस्टर किए आम भूपेश बघेल आज्ञा कौन कर डोर स्टेप डेलीवरी स्कीम आम जब कह गए डोर स्टेप डेलीवरी स्कीम को लंच कर मुख्यमंत्री मितन योजना मितन स्टैंड फॉर फ्रेंड मितन रो मीनिंग होची कोन अपन फ्रेंड ओके सांगो क्लियर क्लियर तो अपनाने मन रखा दरकार व्हिच विल बी इंप्लीमेंटेड इन 14 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन छत्तीसगढ़ ना पिला माने 14 टा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे कोन अपन ना एटा इंप्लीमेंट कराई छि इंक्लूड आमे कहबा सिटीज लाइक रायपुर रे दुर्ग रे बिलासपुर रे एंड समस्त मन रखा पिला ने रजन जदि कहबा पिला ने रजन गांव रे कोन कराई छि ना पिला माने एज ऑफ पायलट प्रोजेक्ट को आमे जदि कहबा स्टार्ट कराई छि जडकि आमे कहबा मुख्यमंत्री मितन योजना को डाउट क्लियर बुझी पाललो तो सिटीजन ऑफ छत्तीसगढ़ कैन अवेल अराउंड 100 पब्लिक सर्विस इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ बर्थ कास्ट इनकम मैरिज सर्टिफिकेट एट देयर डोर स्टेप अंडर ए न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो पाखापाखी 100 पब्लिक सर्विस रो फायदा पाई पारिबे लोक माने कारण छत्तीसगढ़ रो जो लोक माने क्लियर ना को स्कीम अंडर बा को योजना अंडर मुख्यमंत्री मितन योजना अंडर लॉन्च कला के ना छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करिछि तो पायलट प्रोजेक्ट रहे जो पायलट प्रोजेक्ट को हमें कहबा 14 टा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे स्टार्टअप इंक्लूडिंग किछि सिटीज मध्ये रहउची रायपुर रे दुर्ग रे बिलासपुर रे एंड कहबा प्लान रसंत गांव रे कोन कराइछि ना छत्तीसगढ़ रो ए सब सिटी गुडा कर मध्ये ए जो पायलट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कराइछि पिला माने पाखा पाखी 100 टा पब्लिक सर्विस रो फायदा पाइबे कोन ना छत्तीसगढ़ रो लोक माने डाउट क्लियर तो हमें कहबा को इंक्लूडिंग को सर्विस गुडा को पाइबे डिलीवरी ऑफ बर्थ कथा आसला कि कास्ट आसला कि इनकम सर्टिफिकेट कथा आसला कि मैरिज सर्टिफिकेट आसला ए सब जिनस गुडा रहइबो ए जो हमर 100 पब्लिक सर्विस अंडर रे ऑल क्लियर योजना आसला मुख्यमंत्री मितन योजना कदा भी तुम ए क्वेश्चन को भूलिबो छत्तीसगढ़ रो कैपिटल आसला मन रखियो रायपुर आसे सीएम आसले भूपेश बघेल आपण समस्त जानिछन्ती एंड जदि आमे कहबा छत्तीसगढ़ गवर्नर वर्तमान कि अछन्ती अनुसूया विकी आपण समस्त जानि रखिया दरकार भी छत्तीसगढ़ कैपिटल आसले मन रखिया दरकार जकि तमानको कहितली छत्तीसगढ़ कैपिटल कोन ना रायपुर आसे छत्तीसगढ़ जदि आमे मुख्यमंत्री कहबा भूपेश बघेल आसन छत्तीसगढ़ गवर्नर कहबा अनुसूया विकी आसन्ती ओके एंड आउडे भी कहि रखे पिला माने पूर्वरो आमे डिस्कशन करितले छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट कोन करितला ना जकि आमे कहबा जकि ना जेनेरिक मेडिसिन जेनेरिक मेडिसिन स्टोर गुडा के स्टार्ट करता ना थला धनंतरी जेनेरिक मेडिसिन स्टोर को मते स्टार्ट करते छत्तीसगढ़ ओके जदी एग्जाम रे क्वेश्चन आसे धनंतरी जेनेरिक मेडिसिन स्टोर को स्टार्ट करितला के ना ई छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ही स्टार्ट करथि धनंतरी कोन ना जदी हम कहबा पिला माने जेनेरिक मेडिसिन स्टोर ऑल क्लियर बुझी परिले मु कोन कहू छी चल वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करबे सर नमस्कार केमिति अछंती गुड मॉर्निंग बहुत बढ़िया छी एकदम झकास नेक्स्ट क्लियर ये हो चुके भूपेश बघेल नेक्स्ट तो क्वेश्चन असला व्हिच स्टेट हैज बीन अपॉइंटेड क्लियर व्हिच स्टेट हैज बीन अपॉइंट सॉरी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ नेशनल राइफल कोच बाय द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ओके तो कहा को अपॉइंट कराई छी चीफ नेशनल राइफल कोच हिसाब से जल्दी आंसर दे देखे फर्स्ट आंसर के क्वेश्चन दी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ नेशनल राइफल कोच बाय नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा कहा को क्लियर ना जे कोई बात चीफ नेशनल राइफल कोच हिसाब से अपॉइंट कराई छ कह पाइबो संगीता सिंह नाम कोई बात साहस मल्होत्रा नाम कोई जयदीप कर्माकर ओके कर्माकर नाम कोई विनय मोहन पात्रा नाम कोई बात विनय मोहन पात्रा तो समस्त कंसेंट्रेट करके सुना दरकार जदि कह जाए नेशनल राइफल कोच हिसाब से कहा अपॉइंट कराई छ ना समस्त मन रखे पाने जयदीप कर्माकर ओके तो ओलंपियन शूटर जदि हमें कहबा से होचंदी जयदीप जिकि कर्माकर को कोन कराइछि ना चीफ नेशनल राइफल कोच हिसाब रे अपॉइंट कराइछि पिला माने जदि हम कहबा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एंड मन रखे दरकार पिला माने ना कर्माकर कर माने टाइम ता 2025 पर्यंत रहइबो इंक्लूडिंग पेरिस ओलंपिक अपन जानि 2024 जो पेरिस ओलंपिक हबा पई जाउछि तो पेरिस ओलंपिक बेले मध्ये पिला माने क्लियर जदि हम कहबा चीफ नेशनल राइफल कोच थे नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रो से उचन के ना जयदीप कर्माकर ओके जदि संगीता सिंह को कथा हम जदि नबा पिला माने तो समस्त जानि छ क्लियर संगीता सिंह वर्तमान सीबीडीटी रो जडे के हम काली हम डिस्कशन करथिले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ओके सीबीडीटी रो जदि चेयरमैन कहबा से उचन एडिशनल चार्ज अपॉइंट छ संगीता सिंह
जेबी महापात्र तो रिटायरमेंट कले जेबी महापात्र को जगह रे एडिशनल चार्ज एज ए चेयरमैन का अपॉइंट कराई छी ना संगीता सिंह को अपॉइंट कराई छी जियो शापन कोन करथिला ना पिला माने साहस मल्होत्रा को ओके जदि हम कहबा साहस मल्होत्रा को जियो शापन कोन करथिला न्यू सीईओ हिसाब रे अपॉइंट करथिला विनय मोहन क्वात्रा को जदि कहबा पिला माने इंडिया रो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी इत लेके ना विनय मोहन क्वात्रा जे कि कोन हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस करथिले विनय मोहन क्वात्रा मु बार बार तमान को कहि छी अपॉइंटमेंट गुडा मोस्ट इंपोर्टेंट पर संगीता सिंह जे कि सीबीडीटी कथा जदि कहबा सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी रो जदि हम कहबा क्लियर ना चेयरमैन जे कि एडिशनल चार्ज अपॉइंट ले सो संगीता सिंह रिप्लेस कले काकु ना जेबी महापात्र रिटायरमेंट ले तांको जगह संगीता सिंह को अपॉइंट कराई छै एज एडिशनल चेयरमैन हिसाब रे जियो शापन कोन करै छै ना साहस मल्होत्रा को एज ए सीईओ अपॉइंट करै छै एंड विनय मोहन क्वात्रा जे कि फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट ले पिला माने काहा को रिप्लेस करै छथि ना हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस करै छथि नेक्स्ट जदि कहबा यो छथि पिला माने जडके हम डिस्कशन करथिले क्लियर जयदीप कर्माकर कर्माकर जदि हम कहबा पिला माने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जदि कहबा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया केबे फाउंडेड हेतला 1951 रे 1951 मसेरडा फाउंडेड हेतला पिला माने ओके एंड जदि हम कहबा प्रेसिडेंट वर्तमान के होसंती मनखियो रणिंदर सिंह ओके रणिंदर सिंह जे कि वर्तमान कोन अछंती ना नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जे कि वर्तमान प्रेसिडेंट अछंती डाउट क्लियर तो रणिंदर सिंह जे कोन अछंती ना प्रेसिडेंट अछंती हम जदि कहबा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया केबे फाउंडेड हेतला 1951 1951 मसेर कोन हेतला एटा फाउंडेड हेतला डाउट क्लियर बुझी परिले ये सुन ना पिला माने बुझिला ना बुझिला ने एंड समस्त मन रखे दरकार फास्ट स्पीकर जदि हमें कहबा पिला ने जीबी मालवानकर तो समस्त कंसंट्रेट करके सुनिया दरकार तमन समस्त जानी थिबो भी फास्ट लोकसभा स्पीकर जदि हमें कहबा जीबी मालवानकर वाज द फाउंडर एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनआरएआई जदि कहबा एनआरएआई रो कथा जदि रबा बा हमें जदि कहबा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कथा जदि रबा त फर्स्ट प्रेसिडेंट के पंडित ना फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा दैट इज जीबी मालवानकर डाउट क्लियर बुझी परिलो एंड रिसेंट के होसंती ना जदि हमें प्रेसिडेंट के होसन रणिंदर सिंह होसंती फाउंडेड इतला केबे 1951 रे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे क्वेश्चन दला व्हेन वाज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जल्दी आंसर कहबे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड तो केबे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को सेलिब्रेट करा जाए जल्दी आंसर कहबे देखा फर्स्ट आंसर के कहसंती जल्दी कहबे व्हेन वाज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड देखिया फर्स्ट आंसर के कहबा फर्स्ट आंसर के कहबा देखिबा थर्ड में नामे कहबा सेकंड में नामे कहबा फर्स्ट में ना डी ऑप्शन आई थिंक कटि आछे नामे कहबा फोर्थ में तो जदि कह जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को हम केबे ऑब्जर्व करि छथि जल्दी आंसर कहबे देखा फर्स्ट आंसर के कहछथि तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे असले समस्त कंसंट्रेट करके सुना दरकार ना थर्ड में को हम कोन करि छै ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हिसाब ऑब्जर्व करि छथि पिला माने डाउट क्लियर बुझी पालो एंड जर्नलिस्ट मानो को ट्रिब्यूट करके कोन कराई थला ना जलरान जर्नलिस्ट मानो को ट्रिब्यूट करके जर्नलिस्ट मानो को डेडिकेट करके कोन कराई थला ना थर्ड मे को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हिसाब डिक्लेअर करने पे कोन कराई थला ना पिला माने ठीक अछि ना डिक्लेअर कराई थला जदि कह जाए पिला माने क्लियर जदि कह जाए को ईयर टू स्टार्ट कराई थला जदि कहबा 1993 टू ओके 1993 मसिया टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेअर करथला 1993 मसिया रे कोन ना थर्ड मे को सेलिब्रेट करा जइबो जडके हम कहबा पिला माने ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हिसाब रे डाउट क्लियर बुझी पालो क्लियर एंड जदि कहबा ना 2022 रो मींस हम कहबा एई जो ईयर रो ना थीम जदि कथा कहबा हम दिस ईयर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे थीम थला जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सिगी डाउट क्लियर बुझी परिलो ये सन नो ए क्वेश्चंस मते आपन एग्जाम पई इंपोर्टेंट हे पारे बुझी परिले क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा देखो तो फर्स्ट मे को हमें सेलिब्रेट करथले कोन ना फर्स्ट मे को हमें सेलिब्रेट करथले कंसंट्रेट करके सुने दरकार फर्स्ट मे थिला लेबर डे वर्कर्स डे सेकंड फर्स्ट मे रे ही पिला माने हम कोन करथले लफ्टर डे को ऑब्जर्व करथले जे हमें कहबा सेकंड मे कथा नबा सेकंड मे को हमें कोन करथले ट्यूना डे हिसाब ऑब्जर्व करथले थर्ड मे कथा दिन नबा थर्ड मे को हमें कोन करथले ना जे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हिसाब ऑब्जर्व करथले काली थिला फोर्थ मे थिला फोर्थ मे रे हमें कोन करथले फायर फाइटर्स डे को हमें ऑब्जर्व करथले फोर्थ मे कथा दि हमें नबा फायर फाइटर्स डे को ऑब्जर्व करथले फोर्थ मे रे पिला माने जे कि हमें कोन करथले कोल बा कोल माइंस अवेयरनेस डे बा कोल माइंस डे हिसाब काली हम ऑब्जर्व करथले आज थिला पिला ने फिफ्थ मे तो फिफ्थ मे को हमें आज ऑब्जर्व करिसन कोन इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे हिसाब ऑब्जर्व करिसन मो बार बार कहू डे गुडा को ना बाय हार्ट कर दबो सब दिन तमे घंटाए क्लासेस नबो घंटाए क्लासेस रे ना घंटाए डे क्लासेस रा तमोर पूरा पूरी टोटल जो 1 आवर ना गोटे सेकंड जिम से तमोर वेस्ट हबो ने सेमिति तमान टारगेट करी क्लासेस अटेंड करबो मन देके सुनिबो फर्स्ट मे हमें ऑब्जर्व करिसन फर्स्ट मे को ऑब्जर्व करिसन जडकी कोन आसला ना फर्स्ट मे थिला मोर लॉबस्टर डे थिला
ଫାଷ୍ଟ ମେ ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁଟାକି ଉଜ୍ଜଲା ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମେ କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ନା ୱାର୍କର୍ସ ଡେ ଲେବର୍ସ ଡେ ହିସାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ମେ ଚୁନା ମାଛର ଆୱାରନେସ୍ ଡେ ଚୁନା ମାଛର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ଚୁନା ମାଛ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରିବା ପାଇଁ ଚୁନା ଡେ କୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ମେ ଥାର୍ଡ ମେ ଯେଉଁଟାକି ଆସିଲା ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଡେ କୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ମେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫୋର୍ଥ ମେ କଥା ନେବା କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଫାୟାର ଫାଇଟର୍ସ ଡେ ହିସାବରେ କାଲି ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଫିଫ୍ଥ ମେ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ୍ ୱାଇଫ୍ସ ଡେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଗଲା ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି ପିଲାମାନେ ଉଜ୍ଜଲା ଡେ କୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମେ ରେ କାହିଁକି ଅବଜର୍ଭ କଲେ 2016 ଫାଷ୍ଟ ମେ ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଉଜ୍ଜଲା ଯୋଜନାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନକୁ କମେମୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମେ ଟାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଉଜ୍ଜଲା ଦିବସ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କହିବ ଉଜ୍ଜଲା ମେନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ ହୁ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଉଜ୍ଜଲା ମେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କ୍ଲିୟର ଫିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର ୟୁରୋପ ଓକେ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର କ୍ଲିୟର ଏକ୍ସାଇଜ୍ଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର ୟୁରୋପ ମାନସ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯିବି ଓକେ କ୍ଲିୟର ଭେରି ଗୁଡ୍ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ଟା ଡିଫେଣ୍ଡର ୟୁରୋପ 2022 ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ 2022 ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ 8 ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଓକେ ତ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡିଫେନ୍ସ ୟୁରୋପ ସରି ଡିଫେଣ୍ଡର ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ 2022 କ୍ଲିୟର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପୋଲାଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପୋଲାଣ୍ଡ ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ନା 8 କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କରିଥିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଡିଫେଣ୍ଡର ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ 2022 ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ନାଟୋ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆର୍ମଡ୍ ଫୋର୍ସ ଏଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର ୟୁରୋପ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ତାର ପାର୍ଟନର କିଏ ଥିଲା ନା ନାଟୋ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଓକେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆର୍ମଡ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର ୟୁରୋପ 2022 ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲ ଡିଫେଣ୍ଡର ୟୁରୋପ ଯଦି କହିବା 2022 ଏକ୍ସାଇଜ୍କୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ତା ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର ଯଦି କହିବା ୟୁଏସ୍ଏ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ତା ସହିତ ନାଟୋ ଦ୍ୱାରା ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନର୍ଥ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇଜ୍ ନାଟୋ ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ବି କ୍ଲିୟର ତ କିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲା ନା ପୋଲାଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଓକେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପୋଲାଣ୍ଡରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପୋଲିସ୍ ଟ୍ରୁପ୍ ତମ ରଖିବା ପୋଲାଣ୍ଡ ସହିତ କ୍ଲିୟର ୟୁଏସ୍ଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଡେନମାର୍କ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ଟା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମେ 1 ଚାଲିବ ମେ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହବ ନାଟୋ ଓକେ ବୁଝିଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବ ଆଚ୍ଛା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ବେଟ୍ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଓକେ ତ କର୍ବେଟ୍ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା ବାବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ନା ବାବା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଶୁଣ ନା ପିଲା ତମେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ୟେସ୍ ସାର୍ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ କ୍ଲିୟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଆମେ ନା କର୍ବେଟ୍ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ନା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେ ବିଫୋର୍ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି କହିବା କର୍ବେଟ୍ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହୁ କେନ୍ ସେ କି କହିପାରିବ ତରୁଣ କପୁର ମନୋଜ ସୋନି ବିକାଶ କୁମାର ନା ନରେଶ କୁମାର ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ କହିବେ ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଟାଇଗର ଯଦି କହିବା ନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ବେଟ୍ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ତ କର୍ବେଟ୍ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର କଥା ନେବା ତ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରି ଅଦର ଟପିକ୍ ଅଦର ଅପ୍ସନ୍ଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଅଦର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯିବା ଓକେ କ୍ଲିୟର ତ ଅଦର ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା କାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି କାହା କାହା ବିଷୟରେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ନା ତରୁଣ କପୁରଙ୍କ କଥା କହିବା ତରୁଣ କପୁର ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଆଡଭାଇଜର ଏଜ୍ ଏ ଆଡଭାଇଜର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲେ କିଏ ନା ତରୁଣ କପୁର ଓକେ ତରୁଣ କପୁର ଯିଏକି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଭାଇଜର ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମନୋଜ ସୋନିଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ମନୋଜ ସୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ମନୋଜ ସୋନି ଯିଏକି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ କ'ଣ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ନା ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓକେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ ମନୋଜ ସୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ସୋନି ଓକେ
ଆମେ କହିବା ବିକାଶ କୁମାରଙ୍କ କଥା କହିବା ଡିଏମ୍ଆର୍ସି ର ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ କୁମାର ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେଶ କୁମାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଯିଏକି ନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ନା ନରେଶ କୁମାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା କର୍ବେଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଯଦି ଆମେ କହିବା ନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନରେଶ କୁମାର ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ କର୍ବେଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ କଥା ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ ତ କର୍ବେଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ କହିବା କର୍ବେଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ ସମୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯଦି କର୍ବେଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭଟା କେତେ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଆସେ ନା 377 377 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଯେଉଁଟାକି କର୍ବେଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ନା କର୍ବେଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରେ ନା ଆମେ କହିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କର୍ବେଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା କର୍ବେଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ପଣ୍ଡେଲେ ନା ନରେଶ କୁମାର ଯିଏକି କର୍ବେଟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ଡାଇରେକ୍ଟର ପଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କହିବେ ଓକେ ଇନ୍ ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବିନ୍ ବିଲ୍ଟ ତ ଯଦି କହିବା ୱାର୍ଲ୍ଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ପିଲାମାନେ ଓକେ କ୍ରିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ବା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ୱାର୍ଲ୍ଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ରାଜିଲ ଇଜିପ୍ଟ ନା ଆମେ କହିବା ଗ୍ରୀସ୍ ଯଦି ଆନ୍ସର କେବେ ଦେଖେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ଇନ୍ ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କ୍ରିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବିନ୍ ବିଲ୍ଟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବ୍ରାଜିଲ ନା ଆମେ କହିବା ଇଜିପ୍ଟ ନା କହିବା ଆମେ ଗ୍ରୀସ୍ ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଏ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଜେସସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟ ବିଗର୍ ଦେନ୍ ଦ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ତ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ କ୍ରିଷ୍ଟ କହିବା ରେଡମେୟର ଟୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ମାନେ ବଡ଼ ଆମେ କହିବା ଜେସସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ପିଲାମାନେ ବିଲ୍ଟ କରାଯାଉଛି କେଉଁଠି ନା ସେଇ ବ୍ରାଜିଲରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିପାରେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ହାଇଟ୍ ରହିବ ପିଲାମାନେ 43 meters ଯେଟାକି ଆମେ କହିବା 141 feet ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଥିଲା ତାର ହାଇଟ୍ ଥିଲା 38 meters ଯେଟାକି 125 feet ଥିଲା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ତାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 141 feet ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 43 meters ଆମେ କହିବା ଓକେ ତ ବ୍ରାଜିଲ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ବ୍ରାଜିଲକୁ ଅଫିସିଆଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ବ୍ରାଜିଲ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ଯଦି କହିବା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ବୋଥ୍ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାର ଯଦି କହିବା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଆସିଲେ କ'ଣ ଆସେ ସେ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ ଆସେ ବ୍ରାଜିଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଜେର୍ ବୋଲସୋନାରୋ ଯିଏକି ବ୍ରାଜିଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସିଲେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାସିଲିଆ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେ କରେନ୍ସି ଆସିଲେ ମନେ ରଖିବ ବ୍ରାଜିଲିଆନ୍ ରିଆଲ ଯେଉଁଟାକି କରେନ୍ସି ଆସେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଯଦି ମାନେ ଆମେ କହିବା କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ବ୍ରାଜିଲ ଆସେ ଓକେ ବା କେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ବ୍ରାଜିଲ ଅଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା ବୋଥ୍ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ଯଦି କହିବା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ ଆସେ ବ୍ରାଜିଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜୟର ବୋଲସୋନାରୋ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସିଲେ ବ୍ରାସିଲିଆ କରେନ୍ସି ଆସିଲେ ବ୍ରାସିଲିଆ ରିଏଲ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଜିଲରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ବିଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଜେସସ୍ କ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ହେଉଛି 43 meters ଆଣ୍ଡ କହିବା ଆମେ କେତେ ଫିଟ୍ ଆସିଲେ 141 feet ଆସେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କଥା ପଚାରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିବ ଓକେ ଯଦି କହିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିବ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ କଥା କହିବ ନେକ୍ସଟ ତମମାନେ କହିବ ଓକେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି କଥା କହିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କହିବ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କହିବ ତାପରେ ମୋତେ କହିବ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟିଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କହିବ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଓକେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି କୋଉଠି ଅଛି ଗୁଜରାଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ତେଲେଙ୍ଗାନା ବି କହିପାରିବା କାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆସେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପିସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ଲିୟର ଯଦି କହିବା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଗୁଜରାଟରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି କେତେ ହାଇଟ୍ 182 meters ଆସେ ଆଣ୍ଡ ରିସେଣ୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମାନେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାଯାଇଛି କାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ରାମାନୁଜନଙ୍କର 216 feet ଆସେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ଆଣ୍ଡ ରିସେଣ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଲା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆସିଲେ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଦିନ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାଯାଇଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓକେ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଭେରି ଗୁଡ୍
नेक्स्ट क्वेश्चन आसला, क्वेश्चन आसला अच्छा किए कोई पारिबो इन व्हिच स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडियास फर्स्ट काउ एम्बुलेंस सर्विस हैज बीन स्टार्टेड। अच्छा नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो जदी कोइबा फर्स्ट टाइम पई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो जदी कोइबा फर्स्ट टाइम पई गोटे काउ एम्बुलेंस को स्टार्ट कराइछ, काउ एम्बुलेंस सर्विस को स्टार्ट कराइछ, तो को स्टेट रे बा को नॉर्थ ईस्ट स्टेट रे फर्स्ट टाइम पई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो कोइ परियो पिला माने काउ एम्बुलेंस को स्टार्ट कराइछ, कोइ परियो को सागर को स्टेट रे कोइ परिबो कि को नॉर्थ ईस्ट स्टेट रे फर्स्ट टाइम पई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो काउ एम्बुलेंस को स्टार्ट कराइछ, से कोनो आपनकर ना आसाम राइट आंसर हो। अच्छा आप पूर्वर मु तुमको कोई थिला प्लान स्ट्रीट एनिमल को पई एम्बुलेंस को स्टार्ट करथिला को स्टेट तमिलनाडु, क्वेश्चन कोई नहीं प्लान तमिलनाडु स्टार्ट करथिला, एंड जदी कोई बा क्याओ एम्बुलेंस को स्टार्ट करी छी के ना आसाम स्टार्ट करी छी प्लान माने ओके द फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ आसाम गेट्स काओ एम्बुलेंस सर्विस एंड एम्बुलेंस सर्विस फॉर सिक एंड इंजर्ड काओ वाज इनॉग्रेटेड इन द डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो को डिस्ट्रिक्ट रे स्टार्ट कराई छी काओ एम्बुलेंस को दिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे कि काउ एम्बुलेंस को स्टार्ट कराइ छी पिला माने, डाउट क्लियर बुझी पालो आसाम कैपिटल आसले कोन हो दिसपुर। अच्छा आसाम रो सीएम के होसंती कमेंट सेक्शन रे कहबो, आसाम रो गवर्नर के होसंती कमेंट सेक्शन रे कहबो, मु बार बार कहै छी सीएम गवर्नर ता कमेंट सेक्शन मते कहबो आसाम रो वर्तमान के होसंती करंट सीएम एंड गवर्नर ऑफ आसाम जल्दी कहबो कमेंट सेक्शन रे ओके हिमंत विश्व शर्मा। अच्छा यस तमिलनाडु ना पिला माने एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करितला से होची कोनो नाम जदि कोइबा रोड साइड एनिमल पई बा स्ट्रीट एनिमल पई एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करता तमिलनाडु कैपिटल आमे जदि कहिसंदी सीएम असले कोन हो नाम जानि रखे दरकार एम के स्टालिन जेकि तमिलनाडु सीएम, बट मोर क्वेश्चन आसी आसाम सीएम आसाम रो तमानको कैपिटल कोइली दिसपुर आसाम सीएम एंड गवर्नर असले मोर रखे दरकार जल्दी जल्दी आंसर कहबो कमेंट सेक्शन तमान कहबो ओके नेक्स्ट। तो क्वेश्चन आसला द फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंककरप्सी बोर्ड insolvency and bankruptcy is being organized by the insolvency and bankruptcy board in India jointly with which institute? Acha to gude jodi kahiba gude international research conference ko ka upare international research conference organize karaitla insolvency and bankruptcy upare okay to mo kotha mon dei sunibo insolvency and bankruptcy upare pila mane gude international research conference ko organize karaitla kaha dwara name koiba insolvency bankruptcy board of india and co institute dwara pila mane jodi gude koiba gude international research conference ko organize karaitla ka upare insolvency and bankruptcy upare who can say dekha first answer ki koibe IIM अहमदाबाद द्वारा ना IIT कानपुर द्वारा ना नाइजर भुवनेश्वर द्वारा ना में कहबा IIT बॉम्बे द्वारा जल्दी आंसर कह देखे फर्स्ट आंसर की कहते तो क्वेश्चन देला ना तमानक पई मन रखे दरकार गोटे आम कह इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई का उपरे ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी उपरे ओके तो जदि कह जाए इंटरनेशनल जदि कह पिला माने रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया jointly with which institute to co institute dwara start karai chi to samasta mon rakha dakar na IIM ahmedabad dwara start karai chi pila mane okay the first international research conference on insolvency and bankruptcy was organized by IBBI that is called as insolvency and bankruptcy board of india association with indian institute of management ahmedabad doubt clear acha mu recent tamanku kahitli insolvency bankruptcy board of india chairperson ke pandithile nabrong soini am recent discussion karthile kichhi din tole hi ame discussion karthile okay nabrong soini je ki kon appointed chhandi ba kon achhandi chairperson karo IBBI ro IBBI stands for that is called as insolvency bankruptcy board of india jar ki kon ne chairperson ke pandithile nabrong soini pandithile next who has been appointed as the ex officio member of monetary policy committee jaldi koibe who has been appointed as ex officio member of monetary policy committee acha monetary policy committee ro ex officio member ki appointed thile okay rajiv ranjan na andezasi ना डैनिस पार्नेल सुलिवान ना फ्रांसिस केरे ठीक है फर्स्ट आंसर की क्वेश्चन थी फू हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रहा जो दिया मैं कोई पिला एक्स ऑफिशियल मेंबर क्यों सुन जो दिया हमारे हमें कौन करीब ना पिला माने ना एलिमिनेट करीब ऑप्शन को ओके आंडे आंडी जैसिंग को कथा कोई से
ଏଲିମିନେଟ୍ ଅପସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସୁନି ବଟ୍ ଆପଣ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବେ, ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ କହିବେ ୟେସ୍ ଆମକୁ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଣ୍ଡେଜ୍ ଏସି ଯିଏକି ଆମାଜନ୍ର ସିଇଓ ଆପଏଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହା ବେଜୋସ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଡାନିସ୍ ପାର୍ନେଲ୍ ସୁଲିଭାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆବଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ର ୱିନର୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରେ, ଯିଏକି କ'ଣ ନା ପ୍ରିଜର୍ ପ୍ରାଇଜ୍ର ୱିନର୍। ବାକି ରହିଲା ରଜି ବ୍ରଞ୍ଜନ, ତ ରାଜୀବ ବ୍ରଞ୍ଜନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତ ରାଜୀବ ବ୍ରଞ୍ଜନ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ଅଫ୍ ଆର୍ବିଆଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ବିଆଇ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡରୁ ଯଦି କହିବା, ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟିର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ବ୍ରଞ୍ଜନ। ଓକେ, ତମେ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ, ତ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନା। ଅଦର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କହିବି, ଆଣ୍ଡି ଜାସିଙ୍କ କଥା କହିବି, ଯିଏକି ସିଇଓ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମାଜନ୍ର, ସେ କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ? ଓବିୟସ୍ଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍କୁ ଯିଏକି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ସିଏ ଆମାଜନ୍ର ସିଇଓ ଆପଏଣ୍ଟ ହେବେ, କିଏ ନା ଆଣ୍ଡି ଜାସିଙ୍କ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ କହିବା କ୍ଲିୟର, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ, ଆମେରିକାନ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ଦାନିସ୍ ପାର୍ନେଲ, ଯିଏକି କ'ଣ ନା ଆବଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ, ଦାନିସ୍ ପାର୍ନେଲ ସୁଲିଭାନ୍କୁ ଆବଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏଜୁକେଟର ଆମେ କହିବା, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରେ। ତ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରେଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍, ସବୁଠାରୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପ୍ରିଟଜର୍ ପ୍ରାଇଜ୍। ତ ପ୍ରିଟଜର୍ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା କାହାକୁ ମିଳିଛି ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କ୍ୟାରେଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ? ସେସନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ସେସନ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା 1 ଆୱାର୍ ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସେସନ୍ ହଉ, ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବେଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଆଜି ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କରି ରଖେ। ଯଦି କହିବେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଯଦି କହିବା, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା, ତାର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 1935 ରେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି କହିବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ନା ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ଯିଏକି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଆଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ, ନା କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ, ମୃଦୁଲ ସାଗରକୁ, ଯିଏକି ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଜ୍ ଏ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମେମ୍ବର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନା ମୃଦୁଲ ସାଗରକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନା ଆର୍ବିଆଇର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ କମିଟି ଥିଲା ବା ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି କ'ଣ କରିଛି, ନା ଆପଏଣ୍ଟ କରିଛି ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନକୁ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲେ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପିଲାମାନେ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଓକେ, ତ 4th ମେ'ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, 4th ମେ'ରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କହି ରଖେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବି, କାହିଁକି ନା ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ବାଲା ସେସନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଥାଉଛି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କ୍ଲିୟର, ମିଆଁକାବାଡ଼ା, ମିଆଁକାବାଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିନେମ୍ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମିଆଁକାବାଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି, ତ ଓବିୟସ୍ଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହବ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ମିଆଁକାବାଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଗ୍ରେନ୍ ବେସ୍ଡ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନାଗୋରେଟେଡ୍, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଗ୍ରେନ୍ ବେସ୍ଡ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଇନାଗୋରେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ନା ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ବିହାରରେ ଏଇଟାକୁ ଇନାଗୋରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଇନ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କୋପରେସନ୍, ତ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କୋପରେସନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କହିବା ହୁ ହେଜ୍ ଓନ୍ ୱିନର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ, ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ମେରିଲ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ, ମେରିଲ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ PBTLTDକୁ ମିଳିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଶିବାଲିକ ସ୍ମଲ୍ ଫିନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର MD CEO କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିଛେ। କ୍ଲିୟର? ଅଂଶୁଲ ସ୍ୱାମୀ, ଅଂଶୁଲ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଆମେ କହିବା MD CEO ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଶିବାଲିକ ସ୍ମଲ୍ ଫିନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର। ଓକେ, ବହୁତ ସାରା ଛୁଆଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କହି ରଖେ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥିଲା ଆମ ସିଂହମ ପ୍ରୀତମ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ସିଂହମ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା, ସପୋର୍ଟ ସବୁଦିନ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ବିଭୂତ ଦାସ ପାଇଁ କମିବନି, କାହିଁକିନା ବିଭୂତ ଦାସ ଯେତିକି ତମ ପାଇଁ ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛି ଆଣ୍ଡ ତମମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛ, ଲଭ୍ ୟୁ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ସିଂହମ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆର୍, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆର୍, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ବିଜୁ ବୟାର,
वेरी गुड अर्बिजु सुश्री सुहासिनी एंड सत्यवान विश्वाल एंड सुनीता मुर्मू राजलक्ष्मी बेहरा गुरुचरण भोई इप्सिता दास अतुल्य थैंक यू अतुल्य एंड अनोनिमस लाडली महापात्र आर एम क्रिएशन एंड बिके ज्योति थैंक यू एवरीवन एमती सबुदिन आपंकर आंसर गुडा मत मिलवा दरकार कहीं सब ये एक्चुअली क्वेश्चन अफ द डे वाला सेसन मुझे कहीं आसना देखो प्रिवियस क्लासेस क्वेश्चन गुडाक ही मुझे थाउे ओके तो आर मेन टारगेट मोर मेन टारगेट कौन आप क्वेश्चन अफ द डे वाला सेसन नहीं आसपा ना आप सबुदिन अपडेट रुहत आज ही क्वेश्चन डिस्कसन कल नुहे का क्वेश्चन आप भूली कहीं प्रतिदिन आप डे रोबेज गोटे डे वाइज डे वाइज जो आप करेंट अफेयर क्वेश्चन जानूंत इच एंड एव्री डे अपडेट रही पे मोर टारगेट हो सबुदिन क्वेश्चन गुडा मन रखा आज क्वेश्चन अफ द डे रहा जानते तुम प्रिवियस क्लासेस क्वेश्चन गुडाक ही रखी एंड मुझे जानापी चाहिए आप क्वेश्चन गुडाक पढ़ी ना पढ़ी ना एंड मुझ तो कहि सबुदिन आपने क्वेश्चन अफ द डे वाला क्वेश्चन आंसर गुडाक निजे नोट डाउन करूँ एंड एव्री डे जो क्वेश्चन डिस्कसन करता गोटे नोट मेन्टेन करते नोट मेन्टेन कर नोट डाउन करते आपको बहुत फायदा दब पे अपकमिंग एक्जाम बहुत 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 फायदा दब ओके आज क्वेश्चन अफ द डे वाला क्वेश्चन मुझे शो करूँ आज क्वेश्चन अफ द डे वाला क्वेश्चन रोच पे फर्स्ट क्वेश्चन आसला आज क्वेश्चन अफ द डे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आसला क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन आसला हु हैज बीन अपॉइंटेड इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सीबीडीटी ओके तो सीबीडीटी जदि हमें कहबा सीबीडीटी रो न्यू चेयरपर्सन के अपॉइंट छथि फर्स्ट क्वेश्चन आसला पिला माने क्लियर क्लियर नेक्स्ट हमें जदि कहबा क्लियर जदि कह जाए हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विन ए गोल्ड मेडल इन द जूनियर वर्ल्ड जदि कहबा वेटलिफ्टिंग चंपियनशिप मे 2022 रे जो जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चंपियनशिप होता तो गोल्ड मेडल क्या मिली नेक्स्ट जी कहे पे नेक्स्ट जी कहे व्हिच कंट्री लैंडस्केप गार्डन दैट इज कॉल्ड एज आम कह पे सिटियो बुर्लेमैक्स ओके जो कि कौन ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता मिली कह जगार अच्छे नेक्स्ट जी कह जी आम कह पे ना आम जी कह पे Amazon रो CEO हिसाब से जुलाई 5 रे के अपॉइंट हो पाए जाउछंदी नेक्स्ट तो माने कहबो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जदि कहबा पिला माने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा माने कहबे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ Jio Saavn तो Jio Saavn रो CEO हिसाब से के अपॉइंट होछंदी ओके देखंतु ए सो चाकरी पाइले ना तो मानको जति की सैलरी मिलेबो तो माने ए सो चाकरी डा को एते इजी भाबी दन 10 15 टा क्वेश्चन पढ़ देबी मोर ए सो पढ़ा आसीबो ए सो पढ़ाइले ए सो चाकरी पाइ जी ए थिंकिंग नै केबे बे आगु बढ़िबो ओके 15-20 क्वेश्चन सर इंपोर्टेंट दे दिंतु जो क्वेश्चन के कौन ना ये सब जॉब रे ये सब एग्जाम डायरेक्ट पलास मु अटेंड कर दी पळे ए थिंकिंग नै कि जानतु ओके ए सब जॉब को पाइबा पई सेति के एफर्ट दबार अछि एमिति बि के माने कोना दी ओल्ड रो कोन पिला माने एमिति के मास्टर नै जे के कह दो 20टा क्वेश्चन मु दो छै 20टा क्वेश्चन पढ़ दिए क्वेश्चन 20टा क्वेश्चन डायरेक्ट आसीबो करप्शन हेले कोइ परिनि जे क्वेश्चन जान दैथियो कह दो जदि मु कोइ परिनि बट मन रखता सब क्वेश्चन को पढ़ी की जाओ एंड कहबन जो सब क्वेश्चन आसो कि न आसो जब आस तो मुझे कहि न आसो भी कही पारे आसीपे न आसीपारे ओके मोर एफोर्ट दूसरी नौ आपको जो क्वेश्चन गुड़ा दूसरे क्वेश्चन गुड़ा ये सब एक्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पलास मोर चेस्टा करुच्छे ओके तुम तुम एफोर्ट दि प्रिपेरेसन कर क्लीअर एंड स्योर किसी भी भल हाँ जाऊँ क्लीअर नेक्स्ट अभीप सा एसओ बेच अडर स्टोर एवेलेबल अच्छी Y281 प्रोमो कोड यूज कर तुम अभीप सा एसओ बेच को एनरोल करो क्लीअर एंड ओएसएससी सीजीएल बेच मैं अडा स्टोर एवेलेबल अच्छी ओएसएस सीजीएल बेच को भी एनरोल करने प्रोमो कोड यूज करने जमा भूल पे Y281 क्लीअर नेक्स्ट जितकी अनगोई कोर्सेस चली एंड जितकी अपकमिंग कोर्सेस आगे आसू पे सब अनगोई एंड अपकमिंग कोर्सेस गुड़ाक पाइबापी Y281 यूज करके स्टेट एक्जाम महापेक को एनरोल कर पे क्लीअर एंड योद्धा बेच कंप्लीट जनरल अवेयरनेस एंड करंट एफेयर पे बेच करंट एफेयर वन ईयर करंट एफेयर डिस्कशन करी ता ट्रिक वाइज मुझे जनरल अवेयरनेस गुडा मन रखा चेस्टा करी पे एंड आशा करी आपने समस्त योद्धा बेच को एनरोल करेंगे प्राइस भी ड्रप होती प्राइस कमी 683 प्राइस अच्छी प्रोमो कोड यूज करके योद्धा बेच को भी एनरोल कर Y281 Y281 जोटा कि मो प्रोमो कोड रोचे एंड पे जी कह ओपीएससी एस रुक अडा स्टोर एवेलेबल अच्छी Y281 एस प्रोमो कोड यूज कर फ्लाट तुमको 22% डिस्काउंट मिल जाए पे आप प्रोमो कोड यूज करेंगे ओके तो गोटे बेस्ट बुक जब कह एस बुक एवेलेबल अच्छी तो तुम जो चाहो बुक को भी एनरोल कर पार्ब एंड कंप्लीट जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस रो गोटे बेच जो कि
छः नंबर बेच आज ठीक सतटा मुझे नहीं आसबि आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ा थोड़ा पिला माने ए क्वेश्चन पक्का आप एग्जाम हेल्पफुल हम खास करें जब कह अपकमिंग ओएसएस एग्जाम कि ओपीएससी एसओ एग्जाम कहे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट रोज जो तुम इंटरेस्टेड अच्छ क्लास अटेंड करने एंड आपने समस्ते क्लियर ना ठीक सतटा जॉइन करने भूलानी आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसे पूरा पूरी अपडेटेड क्वेश्चन नहीं आसे पे साइंस करंट अफेयर स्टैटिक ओके ओडिशा जीके क्वेश्चन मैं ऐड करती जब इंटरेस्टेड अच्छ ठीक सतटा मतलब जॉइन कर आज सामान सतटा मुझे एंड आप सेशन ने ओके थैंक यू एंड तुम जो चाहो पीडीएफ को पाइबा क्लासेस जो पीडीएफ पाइबा चाहो तो टेलीग्राम स्कैनर को स्कैन कर टेलीग्राम जॉइन कर vibhuti.bhushan@r247.com ओके पूरे पर्सनाल मतलब मेसेज करेंगे मोर पर्सनाल आईडी एंड तुम जब किसी भी क्वेरीज अच्छे रिलेटेड बेच कि रिलेटेड क्लासेस को नहीं किसी भी क्वेरीज अच्छे तुम मतलब ये कंटाक्ट कर पारे ओके थैंक यू ठीक सतटा मिसिया पे नहीं आसपी आप जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस गोटे धमाकेदार सेशन थैंक यू एवरीवन मिसिबा ठीक सतटा ग्रेट डे।